जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की कक्षा स्टार्ट होने वाली है तो सभी लोग लाइव आ जाएं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है फटाफट से, जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं, वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना है। रोज़ आपकी कक्षा होती है 9 बजे, ठीक है। हिंदी साहित्य वाले जितने भी मेरे साथी हैं, आपको बता दूँ कि 9 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, ठीक है, और आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF प्रेषित की जाती है। तो सभी वो साथी जो हिंदी साहित्य वाले हिंदी साहित्य से संबंध रखते हैं, वो सभी लोग रोज 9 बजे हिंदी की क्लास से जुड़ें। वीडियो को सभी को लाइक करना है जितने भी मेरे साथी हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। रवि जी, है ना, कुरैशी जी, यतिंद्र जी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, है ना, हेमलता जी, मंजुला जी, नीलम जी, सभी लोग स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो, बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हमारा जो टेस्ट है वो निरंतर चल रहा है। कुरैशी जी, जल्दी जल्दी से हमें बताना है। यहाँ पर हमारा जो है प्रश्न हो चुका था 380 बार, ठीक है। सभी लोग लाइक जरूर करें, जो भी MP TET वर्ग 3 से संबंधित हैं वो कृपया, उनकी क्लास होती है 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे लाइव क्लास होती है, वर्ग 3 से संबंधित, बाल विकास और पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, और 2:30 बजे भी आपकी क्लास होती है बाल विकास से संबंधित, तो उससे जुड़ सकते हैं जिनको जुड़ना है। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करेंगे, इरफान जी, UGC आपनेट, रवि जी, राजेश जी, कुरैशी जी, जल्दी से फटाफट उत्तर बताते जाओ अब बिना विलंब किए हुए। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक जो विवादास्पद पक्ष है वो कौन सा है? ऐतिहासिकता, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो की जब भी बात आती है तो पृथ्वीराज रासो के बारे में हमेशा पढ़ते हैं हम कि इसमें 69 छर्ग हैं, और आदिकाल में पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है, चंद्रप्रदा इसके रचनाकार हैं, जिन्हें प्रथम महाकवि भी कहा जाता है ना। और इसका जो सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष माना जाता है वो इसकी ऐतिहासिकता मानी जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़नी है सभी लोगों को, ठीक है। सभी लोग पहले लाइक कर दें वीडियो को, जितने लोग भी आ चुके हैं सभी लोग लाइक कर दें। अगला हमारा प्रश्न क्या है? बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? हमने दोस्तों पढ़ा था बीसलदेव रासो, बीसलदेव जो रासो है ये जो रचना मानी जाती है वो नरपति नाल की मानी जाती है। किसकी? नरपति नाल की रचना है बीसलदेव रासो, और इसका काव्य रूप क्या माना जाता है? आपको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 12 रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया है उनमें बीसलदेव रासो भी शामिल है, और ये बीसलदेव रासो जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? गीति काव्य माना जाता है। सभी को याद रख लेना है, गीति काव्य यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बीसलदेव रासो गीति काव्य माना जाता है, नरपति नाल की ये रचना है, सभी लोगों को याद रख लेना है। मौसम जी, हरि जी, मंजुला जी, सभी लोगों को। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से प्रबंध काव्य है? जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना है फटाफट से, जितने लोग भी आ गए हैं, आशा जी, मौसम जी, राधा पटेल जी, सविता जी, पुष्पेंद्र जी, मंजुली, सभी लोग क्या कर दें, पहले लाइक कर दें, सभी लोगों को लाइक करना है, ठीक है। और वीडियो को जितने भी लोग आते जा रहे हैं सभी लोगों को उत्तर बताते जाना है फटाफट बताओ। निम्न में से प्रबंध काव्य है? बीसलदेव रासो, विद्यापति, पदावली, जय मयंक जसचंद्रिका या मुंज रासो, जल्दी बताओ। जो आपको बताना है कि प्रबंध काव्य कौन सा है, जल्दी जल्दी से कमेंट। अधिकांश लोग के उत्तर आ रहे हैं जय मयंक जसचंद्रिका, जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, सभी को याद है कि नहीं है? मधुकर कवि की रचना मानी जाती है जय मयंक जसचंद्रिका, और ये प्रबंध काव्यात्मक रचना है, तो विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। विद्यापति पदावली, विद्यापति की पदावली एक रचना है, पदावली, तो पदावली जो रचना है वो मैथिली में रचित रचना है, पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, तो विद्यापति जी की पदावली भी है, तो सभी को याद रख लेना है। प्रबंध काव्य जो रचना है वो जय मयंक जसचंद्रिका है, ठीक है। हाँ, KM प्रीति जी, राधा जी, सविता जी, पुष्पेंद्र जी, हेमलता, अनु जी, विपिन जी, सूरज जी, सभी लोग आ गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? जल्दी से कमेंट में लिखना है 383 का उत्तर। जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले के वीडियो की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट, ठीक है, जो भी हमारी
लाइव क्लास चलती है उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं सभी लोग। ठीक है, तो जल्दी से बताना है वो कौन सा ग्रंथ है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक में जो है इसका प्रकाशन हुआ था, तो वो कौन सा है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है, ये किसका ग्रंथ है? जल्दी जल्दी से बताना है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो कौन से हैं? तो फटाफट बताना है उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर। जल्दी से विवेक जी, पुष्पेंद्र जी, अनु जी, सभी लोग बताएंगे। अतेंद्र जी, है ना? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसके रचयिता कौन है? ग्रियर्सन। बहुत बढ़िया, जॉर्ज ग्रियर्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये राम कुमार वर्मा जी का है, दो भागों में, ये दो भाग इसके प्रकाशित हुए हैं, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पढ़ा कि जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की विशेषांक में प्रकाशित हुआ, ये जॉर्ज ग्रियर्सन साहब का ये ग्रंथ है, इसमें कितने कवियों का जो है वर्णन किया है? तो अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है 952। बहुत बढ़िया, 952 कवियों का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। 384 का उत्तर हो जाएगा 952। वेरी गुड आशा जी, मोहित कुमार जी, अंजुला जी, विवेक जी, नीरज जी, बहुत बढ़िया, देवांशी जी, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? जल्दी बताओ, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु हमें बताना है। हिंदी साहित्य शिव से सरोज, तचकराई सुयरा, या ई हिंदी, मिश्रबंधु विनोद, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी रचना है जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? तो 385 का उत्तर सभी को बताना है। जल्दी जल्दी से बताओगे उत्तर क्या हो जाएगा? सुमित जी, आकांक्षा जी, सविता जी, विवेक जी, योगेश जी, जल्दी जयप्रकाश जी, क्या हो जाएगा? करण पांडे जी, उत्तर सभी क्या रहे? ए, बहुत बढ़िया, शिव सें सरोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शिव सें सेंगर जी की ये रचना है, शिव सें सरोज, और ये हिंदी साहित्य का जो है इतिहास का प्रस्थान बिंदु इसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन का जो प्रयास किया है वो किसने किया है? जल्दी से कमेंट में लिखना है उत्तर क्या हो जाएगा। प्रवृत्ति काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? 386 का उत्तर बताना है। हिंदी साहित्य में काल विभाजन की यहाँ पर बात हो रही है, तो जल्दी बताओ प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? तो सर्वप्रथम जो किया है वो किसने किया है? ग्रियर्सन साहब ने। ग्रियर्सन यानी कि जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा हुई है वो गारसा दा तासी से हुई है। इस्तवार दा ला लेतेतुर हिंदू हिंदुस्तानी गारसा दा तासी का प्रमुख ग्रंथ है, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में, और ये फ्रेंच विद्वान थे गारसा दा तासी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। फिर डॉक्टर ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयोग किया है, और जो ग्रियर्सन साहब है इनके पुस्तक का ग्रंथ का नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, फिर शिव सेन सेंगर का शिव सेन सरोज है, सभी को पता है शिव सेन सरोज, और जो है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास सर्वप्रथम लिखा वो शिव सेन सरोज ने लिखा। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो शिव सेन सेंगर ने लिखा है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना गया? 7वीं 8वीं शताब्दी से किसने माना है? जल्दी बताओ, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से किसने माना है? 387 का उत्तर सभी को बताना। रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शर्मा गुलेरी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, राहुल सांकृत्या, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 387 का उत्तर क्या हो जाएगा? जतिन जी, सोनिया जी, जल्दी से बताओ, पप्पू जी, आकांक्षा जी, इरफान जी, ममता जी, उत्तर जो होगा वो होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से माना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब, यानी कि जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो क्या है कि चंद्रधर शर्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का जो है
इतिहास का प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष बताना है, प्रकाशन वर्ष क्या है जल्दी से बताओ। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट बताना है तो उत्तर क्या होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन काल क्या है, तो 1929 सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प नंबर 4। बहुत बढ़िया, 1929 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अभिमान मेरु किसे कहा गया है, 389 का उत्तर हमें बताना है। अभिमान मेरु किसे कहा गया है जल्दी से कमेंट में लिखो क्या हो जाएगा सही उत्तर। अभिमान मेरु तो सभी को पता है, कल भी मैंने पढ़ा था, सब लोगों ने पढ़ा था कि अभिमान मेरु जो कहा जाता है वो कहा जाता है पुष्प दंत को, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अभिमान मेरु पुष्प दंत को कहा जाता है, सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, अभिमान मेरु पुष्प दंत को कहा जाता है, सभी लोग याद रख लेना है। यहाँ पर एक गलत दिया है मेरुतुंग, अभिमान मेरु पुष्प दंत को कहा जाता है, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, पुष्प दंत रीनू चौधरी जी, नीरज जी, राधा पटेल जी, संत कुमार जी, पुष्प दंत को कहा जाता है अभिमान मेरु। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की है, 390 का उत्तर सभी को बताना है। हिंदी साहित्य में जो दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति आरंभ की है वो किसने की है जल्दी से कमेंट में लिखो। रवि जी, ममता जी, सविता जी, रीनू जी, जतिन जी, किंग क्वीन, जल्दी जल्दी लिखो। प्रश्न क्रमांक 390 का पुष्पेंद्र जी, योगेश जी, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा 390 का दीपमाला जी, उत्तर होगा क्या रामचंद्र शुक्ल, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। रामकुमार वर्मा आए हैं तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना है वो स्वयंभू को माना है। ठीक है, हाँ, और इन्होंने जो प्रारंभिक काल को संधि काल नाम दिया है, रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा है और ये इस केवल 2 भागों में ही प्रकाशित हो सका रामकुमार वर्मा जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, हाँ, सभी लोगों को याद रख लेना है। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ आप, शालीभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 391 का उत्तर बताना है। बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है, शालीभद्र सूरी की रचना है। आपसे पूछा जाएगा कि भरतेश्वर बाहुबली रास ये रचना किसकी है, तो आपका उत्तर होगा शालीभद्र सूरी की, लेकिन इस रचना को प्रथम रचना किसने माना है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी जी, हरि जी, सुमित जी, माधुरी जी, जतिन जी, अनुज जी, विमित बिश्नोई जी, मौसम जी, रीनू जी, उत्तर होगा किसने माना है गणपति चंद्र गुप्त, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है, विकल्प नंबर 3 है इसी का सही उत्तर हो जाएगा 3। बहुत बढ़िया, गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। सभी लोग लाइक कर दें एक बार वीडियो को, ठीक है, सभी लोगों को लाइक करना है ना। चर्यापद की रचयिता कौन है, 392 का उत्तर बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। चर्यापद, चर्यापद की रचयिता कौन है और ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं, तो सिद्ध साहित्य के बारे में हमेशा पढ़ते हैं कि सिद्ध साहित्य में जो प्रमुख माने जाते हैं वो सरहपा माने जाते हैं, वो सरहपा को राहुल सांकृत्याय ने प्रथम कवि माना है, सरहपा की एक रचना है दोहा कोश। ठीक है, और सिद्धों ने जो है अपनी रचनाएं संधा भाषा शैली में की हैं, कौन सी भाषा शैली में, संधा भाषा शैली में की हैं, और सिद्धों की संख्या जो मानी जाती है वो 84 मानी जाती है, और चर्यापद के जो रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं सबरपा, सबरपा यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 392 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पूनम जी, एडीएस के सिंह, मोनिका जी, हरी जी, आशीष जी। अगला हमारा क्वेश्चन है चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहा जाता है, 393 का उत्तर बताना है, जल्दी से बताना है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहा जाता है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, दोहा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13-11 का आंकड़ा होता है दोहा का, और चौपाई के साथ दोहा रखने की जो पद्धति को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, कड़बक पद्धति, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा, कड़बक पद्धति कहा जाता है। बहुत बढ़िया, साधना जी, दीपमाला, रीनू जी, संत कुमार जी, पृथ्वीराज विजय की रचयिता कौन है, जी हाँ, जल्दी बताओ पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, तो सभी को बताना है।
उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय की रचयिता बताना है, सभी लोगों को जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देना है, फटाफट से लाइक करना है, पृथ्वीराज विजय की रचयिता सभी को बताना है एक बार। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है, तो फटाफट बताओ उत्तर। अधिकांश लोगों का जो कमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है जल्दी जल्दी से, और जितने लोग भी बता सकें फटाफट बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? पृथ्वीराज विजय के, तो वो माने जाते हैं जयानक। जयानक यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा, और पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज विजय के जयानक, ठीक है, विकल्प नंबर एक इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? जल्दी से बताओ, 395 का उत्तर बताना है। कौन सा रासो ग्रंथ है जिसमें महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? बुद्धि रासो, विजयपाल रासो, कुमार रासो या हमीर रासो? प्रश्न क्रमांक 395 का उत्तर सभी को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? तो अधिकांश लोग बता रहे हैं कुमार रासो, बहुत बढ़िया। कुमार रासो जिन्होंने भी बताया है, राधा पटेल जी, बहुत बढ़िया। कुमार रासो में महाराणा प्रताप सिंह का जो है वर्णन हुआ है, कुमार रासो यानी कि जो विकल्प नंबर तीन है ना, रवि जी, ज्योति जी, गुल्ला जी, ममता जी, मधुराज जी, लक्ष्मी जी, रीनू जी, है ना, अर्जुन जी, रवि जी, हरि जी, सभी लोगों ने, पुष्पेंद्र जी, सविता, किसान जी, संतोष जी, देवांशी, गुल्ला, जितेंद्र जी, शिवांग जी, सभी लोगों के उत्तर सही आए हैं। किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? 396 का उत्तर बताओ, आला खंड के नाम से कौन सी रचना को जाना जाता है, किस ग्रंथ को माना जाता है? तो जल्दी जल्दी से बताओ, अधिकांश लोग बता रहे हैं आला खंड के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है किसे? हाँ जल्दी उत्तर लिखना है, परमाल रासो। परमाल रासो यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा, इसको आला खंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 396 का उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब आप सभी को बताना है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? कुमार रासो के रचनाकार कौन है? तो जल्दी जल्दी से बताना है, तीन का उत्तर बताना है ना, कुमार रासो का बताना है, हमीर रासो के रचनाकार कौन है? फटाफट बताओ उत्तर, जल्दी जल्दी। जितेंद्र भाई जल्दी बताओ, अनु जी, क्या हो जाएगा? आशीष जी, नीरज शर्मा जी, हमीर रासो के रचनाकार कौन है और कुमार रासो के रचनाकार कौन है? फटाफट बताना है। कुमार रासो के दलपति विजय हैं, हमीर रासो के किसने बताया है? सारंगधर, बहुत बढ़िया। हमीर रासो के माने जाते हैं सारंगधर, कुमार रासो के माने जाते हैं दलपति विजय, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? जल्दी से बताओ, 397 का उत्तर आपको बताना है, अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? तो फटाफट उत्तर आने चाहिए, अमीर खुसरो को अवधी का कवि किसने माना है? जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी बताओ। धार सिंह जी, जल्दी बताओ, हाँ धारा सिंह जी, क्या हो जाएगा सही उत्तर? अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? तो अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है रामचंद्र शुक्ल, लेकिन इसका सही उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि माना है, सभी को याद रख लेना है, किसने माना है? राम कुमार वर्मा यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। राम कुमार वर्मा साहब ने माना है अवधी का प्रथम कवि किसे? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो साहब, खुसर खुसर मत करो, खुसरो। खुसरो कृत नुहसिपर का विषय क्या है? जल्दी बताओ, नुहसिपर जो रचना है वो अमीर खुसरो साहब की है, इसका विषय क्या है? भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, प्रशस्ति ग्रंथ या फिर शब्दकोश? प्रश्न क्रमांक 398 का उत्तर सभी को बताना है, क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ उत्तर बताना है। 398 का उत्तर हो जाएगा इसका भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, अमीर खुसरो कृत नुहसिपर का जो विषय है वो भाषा विज्ञान है, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नीलम जी, सविता जी, संत कुमार जी, योगेश जी, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उतना सरल भी है, 399 का ये आंकड़ा है और इस 399 बार पूछा गया है, मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? तो किसे कहा जाता है जल्दी से कमेंट में लिखो, सभी का कमेंट आना चाहिए। 399 का क्या हो जाएगा? कुशल परिवर्तन। सविता जी उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति की जो रचनाएं हैं, पदलता पताका, पदलता पताका पदावली,
है ना, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर आ रहा है। बारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है, जल्दी बताना है। बारकरी संप्रदाय का जो संबंध है वो किससे है, सिद्ध साहित्य से, रासो साहित्य से, लोक साहित्य से, इन या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 400 का उत्तर सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 400 का उत्तर बताना है, बारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, नीरज जी, बबली जी, मौसम जी, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा उत्तर। तो अधिकांश लोगों के उत्तर आ रहे हैं सी, लोक साहित्य से, लेकिन उत्तर हो जाएगा सिद्ध साहित्य से। बारकरी संप्रदाय का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है, सिद्ध साहित्य, ठीक है। हाँ, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य सभी ने पढ़े हैं। मधुराज जी, सुमित्रा जी, हाँ सभी लोगों ने पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, जल्दी बताओ। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे जिन्हें राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, वो कौन थे, और इन्हें अपभ्रंश का महाकवि भी कहा जाता है। 401 का उत्तर जल्दी से बताना है, फटाफट से बताना है ना। राम कुमार वर्मा जी ने इन्हें क्या माना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। 401 का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कहलाते हैं स्वयंभू, और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये सारी की सारी चीजें सभी को याद रख लेना है। दीप्ति जी, मोनिका जी, धीरू जी, है ना। अगला क्वेश्चन है, गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया। 405 का उत्तर सभी को बताना है, गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया है। राहुल सांकृत्याय ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, पीतंबर दत्त बड़थवाल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जल्दी से क्या हो जाएगा, कुशल परिवर्तन, जतिन जी, दीप्ति जी, पूनम जी, ममता जी, उत्तर क्या हो जाएगा, कीर्ति गौर जी, जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 405 का उत्तर, सुमित्रा जी, दीपमाला जी, उत्तर सभी के आ रहे हैं पीतंबर दत्त बड़थवाल, यानी कि विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किया है पीतंबर दत्त बड़थवाल ने, बहुत बढ़िया रीनू जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है। 406 का उत्तर सभी को बताना है, तो जल्दी जल्दी से लिखो। प्रशस्ति मूलक जो मुक्तक काव्य है वो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, प्राकृत पैंगलम, भारतेश्वर बाहुबली रास, या हमीर रासो। देखो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्र बरदाई जी की। प्राकृत पैंगलम कौन की है, लक्ष्मीधर की है। भारतेश्वर बाहुबली शालीभद्र सूरी की। हमीर रासो जो रचना है वो सारंगधर की है। और प्रशस्त मूलक जो मुक्तक काव्य है वो कौन सा है, तो वो प्राकृत पैंगलम, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ये प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है किसका है, लक्ष्मीधर का, है ना। सभी लोग लाइक कर देंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोगों को लाइक करना अवश्य है, ठीक है। मैं देख लूं जरा कितने लोगों ने लाइक किया है, तो फटाफट से जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, अभी तो कम ही लोगों ने लाइक किया है ना। जल्दी से लिखो, फटाफट लाइक करना है। अगला जो क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है। 407 का उत्तर बताना है फटाक से, जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार जाके लाइक करो, जल्दी जल्दी से फटाफट लाइक जल्दी से। चंदा सिंह जी, मधुराज जी, कुमारी जी, प्रियंका जी, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है, तो कौन है ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है, जल्दी जल्दी से बताना है ना। अब कुल लोग, कुछ लोग कल्लोल कभी बता देते, कल्लोल, तो कल्लोल जब यहाँ पर जब विकल्प नहीं है तो कुसल्लाभ लगाओ ना, कुसल्लाभ, है ना। कुसल्लाभ यानी कि जो विकल्प नंबर जो बी है वो सही है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है, कुसल्लाभ, है ना। और ढोल आया है ना इधर, ढोल, और ढोल वो ही बजा सकता है जो कुशल होगा बजाने में, तो ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कुसल्लाभ है। जल्दी से पहले से जाके लाइक कर देना, मौसम जी, गुल्ला जी, पहले लाइक कर दो फटाफट वीडियो को, है ना। सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित है, कबीर, जायसी, सूर, या फिर तुलसीदास, जल्दी बताओ। सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित है, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, ठीक है। आपको बताना है सिद्ध साहित्य के प्रमुख माने जाते हैं कौन, सरहपा। नाथ साहित्य के प्रमुख माने गए गोरखनाथ। नाथ साहित्य की नाथ जो संप्रदाय था इसके प्रवर्तक थे मच्छेंद्रनाथ, है ना, लेकिन गोरखनाथ ने बहुत आगे इस नाथ संप्रदाय को भेजा है, सही बात है। और नाथों की संख्या 9 मानी गई, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई, 84। सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित थे, तो आपका उत्तर होगा कबीरदास। कबीरदास यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। अब आपसे कभी पूछा जाता है कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे, तो आपका उत्तर होगा रामानंद। कौन थे, कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद,
और जायसी के बारे में जब पूछा जाता है कि जायसी का श्रेष्ठ काव्य कौन सा है, तो आपका उत्तर होता है पद्मावत। ठीक है, जायसी जी का एक श्रेष्ठ काव्य पद्मावत, जो कौन सी भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया, और ये सूफी काव्य धारा का प्रथम महाकाव्य था। और आप सभी को लिखना है, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास जी के बारे में जब बात आती है तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा में दो धाराएं प्रवाहित हुई, एक थी राम भक्ति धारा और दूसरी थी कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख माने जाते हैं सूरदास, और सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो वल्लभाचार्य था। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, याद रख लेना है। बहुत कम लोगों ने अभी लाइक किया है, सभी लोग लाइक जरूर कर देना। तुलसीदास जी की बात आती है तो रामचरितमानस इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दुनिया में सर्वाधिक ज्यादा जो टीकाएं लिखी गई हैं वो रामचरितमानस की लिखी गई हैं। आपसे पूछा जाता है रामचरितमानस किसकी रचना है, तो आपका उत्तर होता है किसकी है, तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो सभी लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक कर देना। तुलसीदास जी के गुरु का नाम भी सभी लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया ममता जी, नरहरिदास, तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरिदास। बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक जरूर कर देना। बुद्धि रासो काव्य है, 409 का उत्तर हमें बताना है, जल्दी से पहले लाइक कर दें सभी लोग, जल्दी से राधा जी, लक्ष्मी जी, बबली जी, सभी लोग लाइक करो पहले, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। बुद्धि रासो काव्य है, 409 का उत्तर सभी लोग को बताना है, बाहर जाके एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बुद्धि रासो काव्य है, वीर काव्य, चरित काव्य, महाकाव्य या प्रेम काव्य, जल्दी जल्दी से बताना है। यतीन्द्र शास्त्री जी, राधा जी, आरती जी, लक्ष्मी जी, हरि प्रसाद जी, उत्तर क्या हो जाएगा, 409 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, प्रेम काव्य। प्रेम काव्य जो है, बुद्धि रासो काव्य है, प्रेम काव्य, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा, प्रेम काव्य है, प्रेम काव्य। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, गोरी सोवे सेज पर और मुख पे डारे केस, ये जो पंक्ति है वो किसकी है, जल्दी से बताना है। 410 का उत्तर सभी को बताना है, फटाफट बताना है उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति किसकी है, 410 का उत्तर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर हेमचंद्र की, तो बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर आ रहा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की सभी लोग ने पहेलियां सुनी होंगी, पहेलियां, और ये गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस एक किसकी है, अमीर खुसरो जी की है। बहुत बढ़िया, कितने लोगों ने लाइक किया है, जरा मैं भी एक बार देख लूं कौन कौन लाइक किए हैं, कौन कौन नहीं किए हैं। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए, तो जल्दी से कमेंट में लिखना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे कम लोगों ने किया है, अभी पूरे लोगों ने नहीं किया है। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए, 411 का उत्तर हमें बताना है, तो जल्दी से जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस काव्य में रचे गए, जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या फिर रासो साहित्य, उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जैन साहित्य, जैन साहित्य में चले गए, रचित भय रचित हुए हैं चरित काव्य। बहुत बढ़िया, सही बात है, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे, 412 का उत्तर हमें बताना है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे, कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, संत कुमार जी, योगेश जी, रिंकी पाल जी, जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। ज्योति जी, बहुत बढ़िया, ममता जी, प्रो नेशन, लक्ष्मी जी, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध जो हुए हैं वो कौन हुए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखना है। सबरापा, डोम्बीपा, सरहपा या फिर लुईपा, प्रश्न क्रमांक 412 का उत्तर हो जाएगा सरहपा। सरहपा बहुत सही है, सरहपा के बारे में सभी लोगों को पता है ना कि राहुल सांकृत्याय ने इन्हें क्या माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है, बिल्कुल रट जाएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो भूल है। मैं कई बार आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों का रट भी जाएगा। और राहुल सांकृत्याय इनकी जब भी बात आती है तो इनकी एक आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। और एक और जमुना देवी बजाज की एक आत्मकथा का नाम भी है, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। तो मेरी जीवन यात्रा दो लोगों की आत्मकथा है, एक तो राहुल सांकृत्याय इनकी, एक जमुना देवी बजाज की, ठीक है। और 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहपा। बहुत बढ़िया, 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 413 का उत्तर सभी लोगों को बताना है।
तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुरैशी जी, कुमारी प्रियंका जी, जितेंद्र जी, सूरज सानू जी, साहू जी। बहुत बढ़िया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीरगाथा काव्य का या फिर आधुनिक काव्य का? सभी लोगों को उत्तर बताना है। योगेश जी, दीपमाला, राधा जी, हरिप्रसाद जी, सोनिया जी, प्रीति जी, रवि जी, जितेंद्र जी, जलालुद्दीन जी, जतिन जी, संदीप जी, देवांशी जी, रागिनी जी, तेजमल जी, रवि जी, अनूप जी, प्रोज जी, जल्दी बताओ, आशीष जी, रेखा जी। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा वीर गाथा काव्य का। वीर गाथा काव्य यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वीर गाथा काव्य का किया है तृतीय प्रकरण में। यहां पर काल नहीं किया गया, आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीर गाथा काव्य का इन्होंने विवेचन किया है। ये चीज याद रखनी है, ध्यान रखना है, ठीक है सभी को। नीरज जी, ये तो तृतीय काल था, जो तीसरा काल था वो रीति काल था, लेकिन यहाँ आदिकाल पूछा गया, आदिकाल के तृतीय प्रकरण में। ठीक है, याद रखना है। आदिकाल काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? जल्दी से बताओ, 414 का उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आदिकाल काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? जल्दी जल्दी से, जो भी मेरे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 9 बजे हर रोज आपकी क्लास होती है हिंदी साहित्य की, सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन में। ठीक है, और जल्दी से लाइक कर दें, जो भी साथी नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, और रोज की क्लास से जरूर जुड़ना है। आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का भाव है? तो राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सभी लोगों को वीडियो को शेयर भी करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। एक व्यक्ति का दायित्व होगा कि वो 10 लोगों को इस क्लास से जोड़े। हमारा हिंदी परिवार सबसे बड़ा परिवार होनी चाहिए, है ना। हिंदी की प्रथम रचना श्रापकाचार्य के रचयिता कौन है? 415 का उत्तर हमें बताना है। हिंदी की प्रथम रचना श्रापकाचार्य के रचयिता कौन है? इसका जो रचना काल माना जाता है 933 ईस्वी माना जाता है। सभी को पता है हिंदी की प्रथम रचना है श्रापकाचार्य, और श्रापकाचार्य की जो रचयिता माने जाती हैं वो कौन माने जाती हैं? तो वो माने जाती हैं देवसेन। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर सही आ रहा है। पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलती है कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए सभी को सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, और श्रापकाचार्य के जो रचयिता माने जाते हैं वो देवसेन माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, मधुराज यादव जी, अनूप कुमार जी, राहुल जी, रेखराज जी, आशा जी। अगला हमारा प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नामकरण रखा है? जल्दी बताओ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण किया, नामकरण कैसे किया? प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण किया, और इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है, ये सॉरी वो आधुनिक काल को क्या नाम दिया है वो हमें बताना है, तो जल्दी से बताना है। हाँ, क्या नहीं मिल रही है कुरैशी जी? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नामकरण रखा है? जल्दी से बताओ। मैंने PDF भी सेंड कर दी है टेलीग्राम ग्रुप में, तो जो भी मेरे साथी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सभी को सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिप। ठीक है, बहुत बढ़िया। इन्होंने गद्य काल कहा है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। किसने? शुक्ल जी ने, तो याद रख लेना है। ठीक है, इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किसने किया है? आरंभिक काल के नाम से अभिहित किसने किया है? तो जल्दी से 417 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ, आरंभिक काल के नाम से अभिहित किसने किया हिंदी साहित्य के जो है आदिकाल को? फटाफट उत्तर से लिखो। हाँ, जल्दी जल्दी। यूबी जी, कुशल परिवर्तन जी, सुहीन अंसारी जी, महेंद्र जी, ज्योति जी, रेखा बिजिड़ जी, जलालुद्दीन जी, MF UGC नेट, मंजू जी, रागनी जी, योगेश जी, तेजमल जी, मोनिका जी, मंजुला जी, मौसम जी, जितेंद्र जी, सुमित्रा जी, पुष्पेंद्र जी, रिंकी पाल जी, है ना, ज्ञान दत्त जी, इंद्रेश जी, प्रो नेशन जी, बबली जी, रावत जी, दीप्ति जी, सईन खान जी, आदि सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? मिश्र बंधु। बहुत बढ़िया, मिश्र बंधु इसका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया, आरंभिक मिश्र बंधु ने नाम दिया। ठीक है, अब सभी को बताना है प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? प्रारंभिक काल नाम आपको बताना है, तो जल्दी से लिखो, प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? फटाफट बताओ। आरंभिक काल नाम तो दे दिया मिश्र बंधु ने, अब प्रारंभिक नाम काल किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बढ़िया ममता जी, गणपति। बिल्कुल, CTT क्वालिफाई हो गया है। किसका हो गया? देशराज राजपूत का। बहुत बढ़िया, धन्यवाद देशराज जी।
आरंभिक काल का नाम से अभिहित किया, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल से के नाम से अभिहित किया है, किसे प्रारंभिक काल के नाम से जो अभिहित किया है वो किया है गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, ये चीज भी सभी लोगों को बताना है, तो जल्दी से बताओ गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, जल्दी से बताओ। अमित बिश्नोई जी, राहुल जी, पूनम जी, अनुज जी, संत जी, पुष्पेंद्र जी, ज्योति जी, हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी। कुमारी प्रियंका जी, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम किस कवि किसे माना है, बहुत बढ़िया। शालीभद्र सूरी को, शालीभद्र सूरी को माना है और इनकी एक रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, बहुत बढ़िया। इनकी एक रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है शालीभद्र सूरी जी की, और शालीभद्र सूरी जी को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, बहुत बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है वीडियो, सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दो, और जल्दी से दो क्वेश्चन और हैं आपके इस वीडियो के, तो फटाफट बता दो कि कुछ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 10% कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जल्दी बताओ। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है, जल्दी बताओ। हिंदी साहित्य के इतिहास को मिश्र बंधु विनोद में कितने कालों में विभाजित किया है, तो जल्दी से बताना है। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है। अब एक चीज बताना है आप लोगों को, ये चीज नहीं बताना है कि यहां पर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है, किसने, मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने, ये पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया कि मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग प्रकाशित हुए, है ना। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं, सुमित जुनेजा जी चार भागों में कह रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा पांच भागों में, है ना। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ, ये नहीं पूछा गया। कमेंट थोड़ा प्रश्न जो है अच्छे से पढ़ना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, मध्यकाल, इस प्रकार से जो विभाजित किया है, वैसे ही मिश्र बंधु विनोद ने भी विभाजित किया है, मतलब पांच कालों में विभाजित किया है, याद रख लेना है। एमपी से हैं देशराज जी, यूपी टेट में 104 टेट रिजल्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देशराज जी, है ना। तो सभी लोगों को याद रख लेना है, मिश्र बंधु विनोद पांच कालों में विभाजित किया है इन्होंने, याद रख लेना, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, 419 का उत्तर सभी को बताना है। किशन दान जी जल्दी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर, जल्दी। किशन दान जी देखो, हाँ चार भाग में मिश्र बंधु विनोद के चार भाग प्रकाशित हुए, ये चीज तो सभी को पता है, लेकिन इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पांच कालों में विभाजित किया, पांच काल में, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, हम आपसे पूछें कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उसे क्या नाम दिया, तो आप अभी बताओगे आरंभिक काल, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने प्रारंभिक काल को आरंभ काल दिया, और भी कालों को, तो इसी प्रकार के पांच काल नाम दिए हैं, है ना। तो ये है पांच काल, लेकिन जो मिश्र बंधु विनोद है ये चार भागों में प्रकाशित है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है सभी लोगों को। थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज भी हुए हैं पहले, है ना, कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं कि सर ये तो चार भागों में विभाजित हुआ है, यहीं तो कंफ्यूज होते, प्रश्न पढ़ते भी नहीं है कुछ लोग। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, मिश्र बंधु, यानी कि जो विकल्प नंबर दो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सभी लोगों ने लाइक कर दिया है कि नहीं किया है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है, 420 का उत्तर बताना है, 420 का उत्तर बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ 420 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है तो फटाफट से बताना है, 420 का उत्तर बताना है। मौसम जी, देशराज जी, रीनू जी, रवि जी, रवि कुमार जी, नीलम जी, हाँ बहुत बढ़िया, हरिप्रसाद जी, सईन जी, नीरज जी, राहुल जी, कीर्ति जी, स्वीटी जी, ममता जी, गुल्ला जी, सभी लोगों के उत्तर आए हैं, रिंकी पटेल जी, है ना। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है जिसकी रचना जो है अजमेर के शासक से संबंधित है, तो वो रचना है नरपति नाल की, और उस रचना का नाम क्या है, तो जल्दी से बता देना है, वो रचना का नाम क्या है नरपति नाल जी की, तो फटाफट से बताना है,
जल्दी जल्दी बताओ, चार पांच क्वेश्चन और हम फटाफट पूछ लेते हैं आप लोगों से, बिना विकल्प के सभी लोगों को बताना है, तो जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट बताना है जल्दी से। तो नरपति नाल जी की एक रचना है बीसल देव रासो, बहुत बढ़िया, बीसल देव रासो इनकी रचना है नरपति नाल जी की, और इसमें अजमेर के शासक से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी से आप सभी को उत्तर देना है, फटाफट से उत्तर देना है, क्या उत्तर देना है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। अब आप सभी को बताना है कि रामचरितमानस के बाद सबसे ज्यादा टीकाएं जो लिखी गई वो किस ग्रंथ की लिखी गई, फटाफट बताना है। रामचरितमानस के बाद सबसे ज्यादा टीकाएं किस ग्रंथ की लिखी गई, जल्दी जल्दी से उत्तर बताओ फटाफट। चार पांच प्रश्नों का टेस्ट और होने वाला है आप सभी का, तो जल्दी जल्दी से बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग एक बार जाके वीडियो को पहले लाइक कर दें, और चार पांच प्रश्न और आप सभी को बताना है। रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक जो टीकाएं लिखी गई वो किसकी लिखी गई, तो उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट बताओ। रामचरितमानस के बाद सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई बिहारी सतसई की, बहुत बढ़िया, और बिहारी सतसई किसकी रचना है वो भी बताते चलो, जल्दी जल्दी से बताते चलो, बिहारी सतसई किसकी रचना है, इसमें कितने दोहे हैं, और वो जो कवि है वो किस काव्य धारा से संबंधित है, जल्दी से ये पूरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि जो बिहारी सतसई है इसमें कितने दोहे हैं, जल्दी बताओ, ये बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है, इसमें कितने दोहे हैं, है ना। लक्ष्मी रावत जी, इसमें कहीं कहीं 719 दोहे मिलते हैं, लेकिन 713 दोहे जो हैं वो प्रमाणिक माने जाते हैं, तो सभी लोग याद रख लेना 713 दोहे इसमें हैं, ठीक है, 713 दोहे याद रख लेना सभी लोग। और जो है ये बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है, और रीति सिद्ध काव्य धारा के संबंधित हैं। अब आप सभी को बताना है कि रीति काल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया, फटाफट बताना है। रिंकी पाल जी, ज्योति जी, आशा जी, अनुज जी, नीरज जी, सभी लोग बताओ, रीति काल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया, और वो काव्य धाराएं कौन सी थी, फटाफट बताना है। एक क्वेश्चन और जल्दी से, तीन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है ना, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, है ना, तीन में। अब सभी को बताना है रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताओ, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम हमें बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, रीति मुक्त, हाँ रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध हैं, लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा के सभी लोग बताएंगे, हाँ जल्दी जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम कौन हैं, तो क्या हो जाएगा, घनानंद और रीति मुक्त, रीति मुक्त के बोधा और ठाकुर, बहुत बढ़िया, बोधा और ठाकुर ये सभी हैं, आलम, बोधा, ठाकुर, ये रीति मुक्त के हैं, घनानंद, बहुत बढ़िया, घनानंद, घनानंद की एक रचना जो प्रसिद्ध मानी जाती है वो कौन सी है, जल्दी से कमेंट में लिखो, घनानंद जी की जो प्रसिद्ध रचना है, और घनानंद जी किसके दरबार में थे, जल्दी बताना है, घनानंद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, और घना, हाँ बोधा ठाकुर द्विजदेव भी थे, और जल्दी घनानंद जी किसके दरबार में थे, फटाफट से उत्तर बताना है, हाँ क्या हो जाएगा, घनानंद जी किसके दरबार में थे, और इनकी एक रचना है सुजान सागर, बहुत बढ़िया, सुजान सागर इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, और ये किसके दरबार में थे, ये चीज भी सभी को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी फटाक से बताओ, ये किसके दरबार में थे, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत बढ़िया, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे, घनानंद जी, बहुत बढ़िया, सही है। अब आपको बताना है सुख सागर, सुख सागर की रचनाकार कौन है, सुख सागर, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताना है। हाँ सदा सुख लाल की सुख सागर, बहुत बढ़िया, सदा सुख लाल की सुख सागर, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं।
अब आप सभी को बताना है एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जल्दी से बता दो, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? एक क्वेश्चन और बताओ जल्दी से, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? नीलम जी, दीपमाला जी, है ना, आई सिंह जी, अर्जुन जी, गुल्ला जी, किसानदान जी, बबली जी, ज्योति जी, साधना जी, नीरज जी, रीनू जी, यशवंत जी, सभी लोगों ने लाइक कर दिया है कि नहीं कर दिया? दीवांश जी बहुत बढ़िया, रीनू जी, प्रिय प्रभास हरिओ जी का 1917, स्वीटी जी, योगेश जी, सोनिया जी, रानी जी, रिंकी जी, मंजू जी, जलालुद्दीन जी, बबली जी, दीपेश जी, पुष्पेंद्र जी, यूजीसी नेट, रवि कुमार जी, जय जी, यश जी, उमेश जी, हरी जी, अर्जुन जी, आस डेज के कवि, है ना, कतवाल जी, रेखा जी, खुरैसी जी, उषा जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आए हैं। इसके बाद से सभी लोगों के उत्तर बिल्कुल सही, इसी प्रकार से हमारा ये निरंतर प्रयास चलता रहेगा और 9 बजे आपकी रोज लाइव क्लास होगी, ठीक है? अब हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो लाइक कर दे वीडियो को, और सभी का दायित्व है कि इस क्लास तक 10 व्यक्तियों, एक व्यक्ति का दायित्व है कि हम 10 व्यक्तियों को इस क्लास तक जोड़ें, ठीक है? हिंदी साहित्य का ये हमारा बहुत बड़ा परिवार होगा। और आपके, हाँ, PDF मिलेगी प्रीति जी, टेलीग्राम ग्रुप में, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है ना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, याद रख लेना है। और हाँ, सभी लोगों को जुड़ना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने व्हाट्सएप और भी जो भी ग्रुप हैं, अपने फेसबुक ग्रुप हों या व्हाट्सएप हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना है। और हाँ, बहुत बढ़िया, देशराज जी, आशा जी, सविता जी, हाँ, दीपमाला जी जोड़ दिया है आशा जी ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में आएँ, मेरा यही मकसद है। यूबी जी, योगेश जी, नीरज जी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जो है लाभान्वित हों, और सबको PDF मिलेगी बिल्कुल निःशुल्क, कहाँ पर, अपने वाले उस टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ पर सभी लोग जुड़े हैं, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है सभी को, जो भी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए। रवि कुमार जी बहुत बढ़िया, ठीक है, रवि जी की बहुत बड़ी भूमिका है इस क्लास को आगे बढ़ाने में। इसी प्रकार से सभी लोगों की अपनी अपनी भूमिका है, सभी लोगों को, खुरैसी जी की भी भूमिका है, रवि जी, रीनू जी, कुछ ऐसे 4, 5, 6, 8, 10 लोग हैं, मोहम्मद इरफान जी, जिन्होंने इस क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कहा कि सर आप इस क्लास को निरंतर जारी रखें, हम लोग इसी प्रकार से इस क्लास को बढ़ाएंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे, ये क्लास बहुत ही आगे बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, और ये क्लास भी निरंतर चलेगी अब, ठीक है? मुझे भी अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों को लाइक ज़रूर करना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो अपनी होगी कब, कल 9 बजे। और जो भी बाल विकास और वर्ग 3 से संबंधित, CTET से संबंधित हैं, उनकी क्लास शाम को 6:30 बजे होती है, वो है ना, 6:30 बजे शाम को, 6:30 बजे आते हैं, वो जरूर जुड़ें, है ना, CTET वाले, वर्ग 3 वाले, टेट वाले, वो सभी 6:30 बजे शाम को, 6:30 बजे बाल विकास पर्यावरण से संबंधित क्लास होती है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।